एचएन न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। मुकामी लोगों ने जुमेरात के रोज शहर के कुलसुबपुरा में मूसा नदी के किनारे पर आवारा कुत्तों के एक ग्रुप ने एक लड़के को मारते देखा। वो इसके बचाव के लिए सिर्फ लड़के की लाश ढूंढने गए। लोगों ने पुलिस को इतला दी, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रात 12 बजे के करीब मुकामी लोगों ने मूसा के करीब वाक़ एक मंदिर के पास से गुजरते हुए देखा कि 20 के करीब आवारा कुत्तों ने एक लड़के को मार रहे हैं। उन्होंने पहले कुत्तों का पीछा किया और लड़के को देखा, जिसके पूरे जिस्म पर गहरी चोटें थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही ये वाज़े हो सकेगा कि कुत्तों ने इसे ज़िंदा मारा या लड़के पर हमला किया, जब वो पहले ही मर चुका था। फिलहाल लड़के की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने पुराने शहर के तमाम थानों को अलर्ट कर दिया है, ताकि किसी भी लापता बच्चों की तस्दीक की जा सके। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI ने जुमेरात को पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बनोय वशवाम की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज किया। हैदराबाद के हिमायत नगर वाई जंक्शन पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हम CPI लीडरों बनोय वशवाम की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। CPI के रियासती सेक्रेटरी ET नरसिम्हा ने कहा, CPI लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। हम KCR को बताना चाहते हैं कि वो पुलिस फोर्स को सबूसास नहीं कर सकते और गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं कर सकते। हम रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आपने जो वादे किए हैं इन्हें पूरा करें। उन्होंने गरीबों को पट्टा ज़मीन देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हैदराबाद में कायम स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस ने जुमेरात को कहा कि इसने ठोस ईंधन पर मुबनी इंजन का कामयाब तजुर्बा किया है, जो इसकी लॉन्च गाड़ी में तीसरे मरहले के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे विक्रम 1 कहा जाता है। छोटी लिफ्ट वाली लॉन्च व्हीकल 225 किलो वजनी बोझ डालने की सलाहियत रखती है। सूरज के मुताबिक पज़ेर कदबी मदार मुवाजना करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO का वर्क बॉस 1750 PSLV किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। विक्रम एक रॉकेट लॉन्च के लिए 4 ठोस ईंधन पर मुबनी मराहल का इस्तेमाल करेगा। रॉकेट स्टेज, जिसे साइंसदान और हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कालिम 100 का नाम दिया गया है। मोदी का रियासती दौरा केडर में हौसला अफजाई करेगा, क्योंकि ये आला रहनुमा अमित शाह और JP नड्डा के दौरे के करीब आता है। रियासती BJP के सदर और MP बंडी संजय कुमार ने पार्टी के एक रिलीफ में कहा, कुमार पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। रिलीज में मोदी का शानदार इस्तकबाल करने का भी जिक्र किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 मई को यहाँ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए हैदराबाद का दौरा करेंगे। तेलंगाना BJP ने बुध को कहा, मोदी का रियासत का दौरा केडर को जोश दिलाएगा, क्योंकि ये आला रहनुमा अमित शाह और JP नड्डा के दौरे के करीब आता है। ये बात रियासती BJP सदर और MP बंडी संजय कुमार ने पार्टी की एक रिलीज में कहा। रिलीज में ये भी कहा गया कि कुमार मोदी का शानदार इस्तकबाल करने के लिए पार्टी रहनुमाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मजीद बरआं शाह और नड्डा ने रियासत में कुमार की हाल ही में ख़त्म होने वाली पदयात्रा के दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर इस माह तेलंगाना का दौरा किया। कदीम पेंटिंग्स, पुरानी चीज़ें, मिस्री ममियाँ, तामीराती वर्षा, रिवायती आर्ट या बहरी तारीख, तेलंगाना में हर चीज़ के लिए एक म्यूज़ियम है। हमारी रियासत के पास यकीनी तौर पर एक मुतजस्सिस मुसाफिर के लिए बहुत कुछ है, तो अपना कैमरा पकड़ें और इनकी अजायब घरों की तरफ जाएं जो ट्रैवल बकेट लिस्ट में शामिल होने के मुस्तैक हैं। नागार्जुन सागर डैम का खता हिंदुस्तान की कुछ कदीम तरीन बुद्ध तहजीबों का घर है, और इसकी डैम की तामीर के दौरान यहाँ से तारीखी सिक्के और नवादरात की एक बड़ी तादाद बरामद हुई थी। इनमें से बहुत से नवादरात अब नलगुंडा ज़िले के डैम पर वाक़ बुद्धिस्ट हेरिटेज म्यूज़ियम में महफूज है। म्यूज़ियम में बुद्ध मत के मुजस्मे, बुद्ध टांका, कांसी पाला के मुजस्मे, अजंता पेंटिंग्स और पत्थर के मुजस्मे दिखाए गए हैं।
तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट आउट कैप लॉरी बस और ट्रक ड्राइवरों के साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC के मालिकान ने जुमेरात को टैक्सियों और जुर्माने में इजाफे के खिलाफ खैरताबाद में RTA दफ्तर में एहतजाज किया। मुजाहरीन ने ग्रीन टैक्स, लाइफ टैक्स, रोड टैक्स और फिटनेस जुर्माने जैसे टैक्सों में कमी का मुतालबा किया जो पिछले कुछ महीनों से बढ़ चुके हैं। उन्होंने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रहनुमा खतूत 2020 के नफाज के साथ पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में कमी का भी मुतालबा किया। कई यूनियन जैसे सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, TRS, कार्मिका विभागम और तेलंगाना राष्ट्र समिति के लेबर विंग ने एहतजाज में हिस्सा लिया। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।